सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। एक्ट्रेस चांदनी, जिन्हें आप देख रहे हैं कलर्स टीवी के शो इश्क में मरजावा 2 में, उन्होंने की हाल ही में हमसे काफी सारी बातें और बताया शो को मिल रहे ऑडियंस के प्यार के बारे में और साथ में की अपने ऑडिशन एक्सपीरियंस के बारे में बातचीत। आप खुद देखिए। As all of you are aware that my name is Chandni Sharma. I'm from Himachal Pradesh, Mandi district. There's a small village called Gohar. I'm from that village. तो बचपन से ही, जब से मुझे याद है कि मैंने बोलना स्टार्ट किया है, मुझे हमेशा से एक्ट्रेस बनना था, हीरोइन बनना था. तो माई लव फॉर दैट गॉट मी हियर टू मुंबई. मैंने अपनी स्कूलिंग और इनिशियल स्कूलिंग मैंने हिमाचल से की है. उसके बाद मैंने अपनी 11th 12th चंडीगढ़ से की है. मैंने इंजीनियरिंग चंडीगढ़ से की है. तो जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई और पेरेंट्स को बोलने को हो गया कि हाँ एटलीस्ट लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी है, उसके बाद आई केम टू मुंबई. तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी नहीं, आई डिडंट लीव इट. मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद मैं यहाँ आई. और मुझे पहले से ही था कि मुझे हीरोइन बनना है, बट एक बेसिक एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है. मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का नज़रिया दुनिया को देखने का और बहुत कुछ सीखता है इंसान एजुकेशन से, सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. तो मैंने और मेरे घर में सब इंजीनियर्स हैं, मेरे डैड इंजीनियर हैं, मेरा भाई इंजीनियर है. तो उन्हें था कि पढ़ ले लड़की, और उनके अकॉर्डिंग ये बहुत अनअप्रोचेबल और बहुत अनरियलिस्टिक फील्ड है. तो उन्हें लगता था कि ठीक है, इसका एक शौक है, मुंबई जाएगी. दे आर वेरी सपोर्टिव दैट वे. सो दे नेवर टोल्ड मी कि मत जा, मुंबई नहीं जाना है. दे वर लाइक ठीक है, इसका खुद शौक पूरा होगा, ये वापस आ जाएगी. सो दे वर लाइक कि ठीक है, इंजीनियरिंग करो, फिर चले जाना जब तुम्हें मन करे. तो मैंने ये बात दिमाग में बिठा ली, और जिस दिन मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, मैंने रिजल्ट का भी वेट नहीं किया, मैं नेक्स्ट डे ही फ्लाइट लेके मुंबई आ गई थी. माई फर्स्ट बिग ब्रेक. सो एक्टिंग में तो इट वुड बी इश्क में मरजावा, दिस इज माई फर्स्ट शो. बट इस फील्ड में या ग्लैमर वर्ल्ड में, जो आप इसे बुलाते हैं ग्लैमर वर्ल्ड में, मेरा फर्स्ट ब्रेक वुड बी माई पेजेंट. आई वॉज पार्टिसिपेंट इन इंडियन प्रिंसेस, इट्स अ नेशनल पेजेंट. तो मैं उनकी विनर थी. उसके बाद मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया जर्मनी में, मलेशिया में. आई वॉज मिस इंडिया टूरिज्म. आई वन देयर द क्राउन फॉर ड्रीम गर्ल ऑफ द ईयर इंटरनेशनल. देन आई वॉक्ड न्यूयॉर्क फैशन वीक. सो दैट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी. आई वॉज द ओनली इंडियन टू वॉक देयर एज अ मॉडल. सो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी. इट्स अ फुल हिंदी फीचर फिल्म, इट्स नॉट अ शॉर्ट फिल्म. इट्स कॉल्ड डार्क लाइट. It's based on terrorism and how I escape terrorism group, or वहाँ से मैं कैसे, मुझे kidnap कर लेते हैं, मैं वहाँ से कैसे escape होती हूँ. That's the whole journey. It's a very non-glamorous film, I would call it. There's no makeup, थोड़ा prosthetic हुआ है for bruises and everything. So it was a great experience, great learning experience, क्योंकि बहुत content based प्रोजेक्ट था और एक्टिंग बेस्ड प्रोजेक्ट था. देर वर नो लैशेज, विग्स और फैंसी मेकअप डन ऑन मी. और इट वॉज शॉर्ट इन सिक्किम इन -20 degree टेम्परेचर. सो बहुत डिफिकल्ट था, बट मैंने बहुत कुछ सीखा उसे. इट्स गॉन फॉर फिल्म फेस्टिवल्स. सो सी, आई हैव ऑलवेज केप्ट माई ऑप्शंस ओपन. सो जैसा मैंने आपको बताया, मुझे हमेशा से हीरोइन बनना था, बट मैं पेजेंट्स की तरफ गई. तो आई टुक इट एज इट केम टू मी. मुझे ऐसा लगता है कि सबका सक्सेस का पाथ और सबका जर्नी बहुत अलग होती है. आई कैन नॉट कॉपी समवन एल्स जर्नी कि उसने पहले टीवी किया, फिर फिल्म किया, फिर वेब किया, फिर ये किया, फिर तो सबका वो अलग रहता है. मेरा फर्स्ट स्टेप पेजेंट था, उसके बाद फैशन वीक्स था, उसके बाद फिल्म था, उसके बाद टेलीविजन था. तो लेट्स सी वेयर माय जर्नी टेक्स मी टू. बट yeah, I really want to do films and I want to do web. Web has become a huge thing, and especially इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत real content है web में, और मैं देखना चाहती हूँ वो play करके कैसा लगता है. And I'm sure it will be very challenging. But TV, nevertheless, it's a huge, huge platform. I really respect it, and I feel lot of gratitude कि भगवान ने मुझे मौका दिया टीवी
करने का. आई डोंट थिंक फैंस को ये मालूम है, बट या आई वुड लाइक टू शेयर द स्टोरी. मैंने रिधिमा के लिए, रिधिमा के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, बट उन्हें मैं अनारकली सूट में भी और यू नो सिंपल सीधी साधी लड़की के रोल में भी नेकर्स कुड सी ईशानी इन मी. सो उन्होंने मुझे ईशानी के लिए बुलाया. सो पहले मैं थोड़े हेजिटेट कर रही थी ईशानी प्ले करने के लिए, बट व्हेन आई हर्ड कि शी इज़ अ फैशनिस्टा एंड शी इज़ लाइक पू फ्रॉम K3G एंड यू नो एवरीथिंग फैंसी एंड बूजी एंड ऑल, सो मुझे बहुत मन किया कि हाँ मैं ये प्ले करती हूँ, मुझे मज़ा आएगा. एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और ये रोल मैं कर रही हूँ, क्योंकि वाकई में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करने में. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर हाँ तो सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को. आशिमा चावड़ा, कैमरा पर्सन दीपेश माली, इंडिया फोरम्स, मुंबई.